हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारे वर्कशॉप में आई है यामा FZS 2018 मॉडल है, FI वेरिएंट है। डेड कंडीशन में हमारे पास आई है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, स्टार्ट नहीं पा रही है। किसी दूसरे मैकेनिक के पास आई है तो उसने काफ़ी चेकअप किया है, बट उसके हाथ में जो है प्रॉब्लम नहीं आई है। इसमें प्रॉब्लम क्या है तो आपको चेक करवा देता हूँ। सबसे पहले चाबी ऑन करते हैं, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मीटर जो है एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है, और जो ये चेक इंजन लाइट है ये ब्लिंक कर रही है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, इसीलिए स्टार्ट गाड़ी नहीं हो पा रही है। तो आइए चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और किस वजह से स्टार्ट नहीं हो पा रही है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्पार्क प्लग से कि इसमें करंट जो है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। चेक करते हैं कि स्पार्क दे रहा है या नहीं दे रहा है। इसके लिए स्लिप लगाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि स्पार्क प्लग जो है वो करंट बराबर दे रहा है, एकदम परफेक्ट तरीके से दे रहा है। तो करंट की प्रॉब्लम इसमें नहीं है, उसके अलावा कोई दूसरी प्रॉब्लम है वो चेक करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे इसका फ्यूल पंप जो कि टंकी के अंदर आता है, वो ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके लिए हम इसकी चाबी ऑन करेंगे, जैसे कि आप सुन पा रहे होंगे कि इसमें जो है फ्यूल पंप भी काम कर रहा है। चाबी बंद की और चाबी फिर से चालू की, आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे नज़दीक से कि फ्यूल पंप इसका काम कर रहा है ठीक से। उसके बाद में इसका नंबर आता है इंजेक्टर का कि वो पेट्रोल फायर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए इंजेक्टर को इसको बाहर निकालते हैं। इंजेक्टर इसका जो है यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, तो इसको निकालने के लिए उस तरफ एक 10 mm का बोल्ट है, यहाँ पे जहाँ पे मैं फिंगर लगा रहा हूँ यहाँ पे 10 mm का बोल्ट है, उस तरफ से खोल के आपको इसको बाहर निकाल लेना है। ठीक है, तो मैं इसको बाहर निकालता हूँ। तो इंजेक्टर निकाल के बाहर सेल्फ लगाते हैं, चेक करते हैं कि ये इंजेक्टर जो है पेट्रोल फायर कर रहा है नहीं। तो ये दोबारा से ट्राई करते हैं एक बार और। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इंजेक्टर से पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, हालांकि फ्यूल पंप इसका ठीक से काम कर रहा है, स्पार्क प्लग में करंट आ रहा है, बट ये जो इंजेक्टर है ये पेट्रोल आगे फायर नहीं कर पा रहा है, इसीलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो चेक करते हैं कि क्यों ये फायर नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम कहाँ पर, कोई वायरिंग प्रॉब्लम है या कोई और ही कोई सेंसर वगैरह की प्रॉब्लम है। तो आइए चेक करते हैं। वैसे तो इसकी वायरिंग जगह जगह से कटी हुई है, क्यों जगह जगह पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक काट काट के शायद वायर से टच करके देखा हुआ है कि करंट आ रहा है नहीं आ रहा है। मैकेनिक ने हर जगह से देख पा रहे होंगे आप, जगह जगह से इसकी वायरिंग काटी हुई है। मैंने पूरी वायरिंग चेक की, कहीं पे मुझे वायरिंग में कुछ फॉल्ट नज़र नहीं आया, और लास्ट में फिर मुझे दिखे ये तीन कटआउट्स आप देख पा रहे होंगे। इसमें सबसे पहला जो है वो है इंडिकेटर फ्लाशर, जो कि यहाँ पे ऐसा लगता है निकाल के नीचे लटकाया हुआ था। दूसरा जो इसमें है ना ये वाला, ये दूसरे वाला जो है ये सेल्फ रिले है, तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से फिट होती है, ये भी नीचे लटकी हुई थी। तीसरी ये वाली, ये इस गाड़ी का है बैक एंगल सेंसर, जो कि यहाँ पे इस तरह से लटका हुआ था। तो मेन प्रॉब्लम अगर देखें तो इसमें सिर्फ यही थी, क्योंकि इसका बैक एंगल सेंसर जो है यहाँ पे लटका हुआ है और गाड़ी हो रही है कन्फ्यूज। तो इसका पहले आपको बता दूँ इसका काम क्या होता है। बैक एंगल सेंसर हर BS6 गाड़ी में आता है, जो कि FI प्रोग्राम होती है, तो इसमें भी है। तो ये यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लगा हुआ होता है, इस पर आप यहाँ देख रहे होंगे अपर लिखा हुआ है और ये एक तीर का निशान है जो ऊपर की तरफ बता रहा है, यहाँ पे ऐसे लगा होता है। तो ये बड़ा था कुछ ऐसे, और ऐसे रहेगा तो इसका फ्यूल इंजेक्टर जो है काम नहीं करेगा। तो क्यों नहीं करेगा बता रहा हूँ आपको, ये बैक एंगल सेंसर होता है, गाड़ी अगर गिर जाती है तो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, इसलिए होता है। तो ये पहले से नीचे लटका हुआ था, गाड़ी कन्फ्यूज हो रही थी कि गाड़ी गिरी हुई है, तो इस वजह से जो है वो इंजेक्टर इसका फायर नहीं कर पा रहा था। तो इसको यहाँ पे आप लोगों को लगा देना है, जिससे आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे इसको फिट कर दिया ठीक तरीके से, क्योंकि इसकी यहीं पे जगह है फिट करने की, नीचे लटका हुआ था ये। अब जाके चेक करते हैं कि इसका जो इंजेक्टर है वो पेट्रोल फायर कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद में दोबारा से कर लेते हैं इग्निशन स्विच ऑन, ये मैंने कर दिया। किल स्विच ऑन कर लेते हैं, ये मैंने कर दिया।
अब देखते हैं कि इसका जो इंजेक्टर है वो पेट्रोल फायर कर रहा है नहीं कर रहा है। यहाँ से स्लैब लगाया, हाँ आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि अब इसमें जो है पेट्रोल फायर करने लगा, मतलब कि इसमें बैक एंगल सेंसर की ही प्रॉब्लम थी जो कि नीचे लटका हुआ था, और तो वही प्रॉब्लम थी वो हमने ऊपर जो अपनी जगह पर ठीक से फिट किया, तो उसके बाद में ये इंजेक्टर इसका फायर करने लगा। ठीक है, अब इसको उसमें गाड़ी में फिट करके स्टार्ट करके देखते हैं कि गाड़ी स्टार्ट हो पाती है कि नहीं। इंजेक्टर इसका जो हमने मैंने दोबारा से फिट कर दिया है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद में दोबारा से इसका चाबी स्विच जो है ऑन कर लेते हैं। ये चाबी स्विच इसका ऑन हो गया, और अब सेल्फ अप्लाई करते हैं। नहीं हुई, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, और जो ये चेक इंजन लाइट थी ये भी ऑटोमेटिक बंद हो गई, क्योंकि उससे बैक एंगल सेंसर की वजह से आ रही थी जो कि नीचे लटका हुआ था, और गाड़ी कंफ्यूज हो रही थी इसी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। दोबारा से एक बार स्टार्ट करके देखते हैं, परफेक्ट परफेक्ट तरीके से गाड़ी एकदम काम कर रही है हमारी। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल हमारे टेक ब्रदर्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।